नमस्कार साथियों न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में हम आपका स्वागत करते हैं तो सबसे पहले आज की मुख्य खबरें बीते 24 घंटों में कोरोना के ग्यारह हजार नए मामले और 325 मरीजों की मौत कोरोना योद्धा कहे जाने वाले डॉक्टरों और शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा कोरोना से जुड़े संक्रमण मामलों में बढ़ोतरी और जर्जर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं तो सबसे पहले कोरोना के अपडेट से खबरों की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले लगातार तीन दिनों से भारत में कोरोना के साढ़े ग्यारह हजार से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं बीते चौबीस घंटे में ग्यारह हजार पाँच सौ दो नए मामले दर्ज किए गए हैं तीन सौ पच्चीस मरीजों की मौत हो चुकी है और कोरोना से पीड़ित सात हजार चार सौ उन्नीस मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक तीन लाख बत्तीस हजार चार सौ चौबीस हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक कुल नौ हजार पांच सौ बीस मरीजों की, हो चुकी है। कुल मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख तिरपन हजार एक सौ हो गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आज सुबह नौ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल संतावन लाख चौहत्तर हजार एक सौ सैंपल की जांच की गई है जिनमें से एक लाख पंद्रह हजार पांच सौ उन्नीस सैंपल की जांच बीते चौबीस घंटों में हुई है दुनिया भर में कोरोना के दर्ज मामलों में भारत अमेरिका ब्राजील और रूस के बाद चौथे पायदान पर मौजूद है तो अब बात करते हैं दिल्ली नगर निगम की कोरोना के समय भी कोरोना योद्धा कहे जाने वाले लोगों को दिल्ली में वेतन नहीं मिल रहा है जिससे संकट गहराता जा रहा है दिल्ली नगर निगम के करीब आठ हजार एमसीडी शिक्षकों को पिछले तीन महीने से सैलरी नहीं दी गई है यही हाल निगम के डॉक्टरों का भी है नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल बड़ा हिंदूराव और कस्तूरबा अस्पताल में भी कई महीने से वेतन नहीं मिला है शिक्षकों का कहना है कि इस वायरस से पैदा हुए संकट और वेतन न मिलने की वजह से घर नहीं चला पा रहे हैं इससे परेशान शिक्षकों ने अब भूख हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने अब अस्पताल प्रशासन को चिट्ठी लिखकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है लेकिन दिल्ली सरकार और निगम को इन कर्मचारियों की चिंता नहीं दिख रही है दोनों के अपने दावे हैं लेकिन कर्मचारी बिना वेतन के इस महामारी में काम करने को मजबूर हो रहे हैं दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने पैसे दे दिए हैं लेकिन एमसीडी अधिकारी और नेता कहते हैं कि सैलरी के लिए कोई पैसा नहीं मिला है यह कोई पहली बार नहीं हुआ है नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच यह खींचतान पिछले कई सालों से जारी है खास तौर पर पिछले कुछ सालों में उत्तरी नगर निगम की हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस निकाय के कर्मचारियों के वेतन में अनियमितता और उनका प्रदर्शन आम हो गया है आपको बता दे कि दिल्ली नगर निगम में पिछले कई सालों से भाजपा काबिज है परंतु जब से दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटा गया है तब से नगर निगमों की स्थिति बद से बदतर हुई है बहुत लोग कहते हैं कि नगर निगम के कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा हैं उससे अधिक कुछ भी नहीं दिल्ली सहित पूरे देश में कोरोना महामारी है ऐसे में देश के सभी संस्था इसे लड़ने का प्रयास कर रही हैं लेकिन इस दौरान भी दिल्ली के नगर निगम की भूमिका सवालों के घेरे में है दिल्ली में लगभग 3500 बेड नगर निगमों के अस्पतालों में है लेकिन उनके अस्पतालों में एक भी कोरोना मरीज का इलाज नहीं किया जा रहा है इलाज छोड़िए वो कर्मचारी जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं चाहे वो स्कूल के शिक्षक हों जो राशन और खाना बांट रहे हों या कोई डॉक्टर जिन्हें इस महामारी के दौरान योद्धा कहा जा रहा है उनमें से किसी को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है अगर दिल्ली सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो दिल्ली नगर निगम से भी सवाल पूछा जाना चाहिए हर रोज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान के निकाय संख्याओं की झड़ी लगाए जा रहे हैं इन सभी का मकसद ये दिखाना है कि कोरोना से जुड़े सभी के सभी मामले नियंत्रण में हैं। थोड़ा सक्रिय मामलों के आंकड़ों को समझते हैं यानी एक्टिव मामलों को समझते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 13 मार्च को यह तीन थे 5 मई को यह बढ़कर उनतीस हो गए और अब 13 जून को एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर तकरीबन एक लाख पैंतालीस हज़ार हो गई है एक्टिव मामले यानी संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या और वे उपचार के किन्हीं प्रकारों से गुजर रहे हैं इन मामलों में अधिकतर मामले मुख्यतः चार राज्यों से हैं जिसमें महाराष्ट्र दिल्ली तमिलनाडु और गुजरात है लेकिन बावजूद इसके संख्या बढ़ रही है और चौंकाने की हद तक बढ़ रही है यहाँ ऐसे अस्पताल हैं जो इनमें से अधिकांश मामलों को झेल रहे हैं समुदायों के भीतर लोगों की अधिक संक्रमित होने की उम्मीद है क्योंकि उनकी जांच और पुष्टि नहीं हुई है यानी कि उनकी सत्यापन नहीं हुआ है इसलिए वे किसी भी गिनती में नहीं आते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डिजीज़ डायनमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गहन चिकित्सा इकाइयों यानी कि आईसीयू में अनुमानित तौर पर चौरानवे हजार नौ सौ इकसठ बेड हैं उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि इन सब में कुल मिलाकर सैंतालीस हजार चार सौ इक्यासी वेंटिलेटर हैं साफ दिख रहा है कि कोविड 19 संबंधित बुनियादी ढांचों की उपलब्धता और रोगियों की बाढ़ में बहुत बड़ा अंतर है कोई भी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे रहा है कि लगभग 60 प्रतिशत सुविधाएं निजी अस्पतालों में हैं जो भयंकर रूप से महंगा इलाज करते हैं या फिर आम लोगों का इलाज करने से ही इंकार कर देते हैं खासकर गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार तो आम बात और आम चलन का हिस्सा है इसलिए स्थिति हमें अगले गंभीर मोड़ पर ले जाकर छोड़ देती है जो कोविड 19 से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या है अब तक कुल मौतों की संख्या आठ, आठ हो चुकी है दैनिक मौतें लगातार बढ़ती जा रही हैं सक्रिय मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं यह दो पहलुओं की तरफ इशारा करता है एक लोगों में संक्रमण बड़ी संख्या में फैल रहा है और दो यह इसके लिए चिकित्सा का इंतजाम अपर्याप्त है यानी कि चिकित्सा बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम जर्जर -जर है इस समय पर्याप्त नहीं है जाहिर है लॉकडाउन हासिल करने के लिए या लॉकडाउन के लिए जो समय मिला था वो सारा का सारा समय बर्बाद हो चुका है अभी तक के नवीनतम रिपोर्टों से ये पता चलता है कि राज्य सरकारें भी टेस्टिंग पर ध्यान नहीं दे रही हैं इसलिए अब इस बात की संभावना बढ़ रही है कि संक्रमण वाले लोग या संक्रमण वाले इलाके जहां पर लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही है वह खुलेआम घूम रहे हैं सरकारी क्वारंटाइन की स्थिति काफ़ी जर्जर है और अधिकांश इलाकों में कोविड की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है एक लाइन में यह कहा जाए तो ऐसा लगता है कि कोविड 19 के खिलाफ सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है पिछले कुछ सालों में देश में कई जगहों के नाम बदले गए इसी कड़ी में देश का नाम बदलने की एक पुरानी बहस को भी चर्चा में ला दिया गया है इतिहास के पन्ने के एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय नाम बदलने की पीछे की राजनीति पर बात कर रहे हैं देखिए इस एपिसोड का कुछ हिस्सा हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद दिल्ली के कई मशहूर सड़कों के नाम बदले गए थे उसके बाद उत्तर प्रदेश के के कई शहरों के नाम बदले गए थे मुगल सराय दीन दयाल उपाध्याय नगर बन गया अलाहाबाद प्रयागराज हो गया लंबी लिस्ट अभी भी पेंडिंग है अहमदाबाद को कर्णावती हैदराबाद को भाग्यनगर और औरंगाबाद को संभाजी नगर बनाने की बात है ऐसे हिंदुस्तान में कई दशकों से शहरों के नाम के फोनेटिक रीओरिएंटेशन हो रहे हैं बॉम्बे जैसे मुंबई बन गया कलकत्ता जैसे कोलकाता हो गया था क्विलॉन जो है कोल्लम बन गया था और फिर पॉपुलर सेंटिमेंट को पैंडर करने के लिए मेड्रास चेन्नई बन गया ऐसे कई उदाहरण हमको मिलेंगे लेकिन इंडिया शब्द से ऐतराज राजनीतिक है दूसरा प्रश्न क्या 2014 के बाद ही पॉलिटिक्स ऑफ रीनेमिंग की शुरुआत हुई थी या उससे पहले भी थी इस सवाल का जवाब मैं देने के पहले एक आर्टिकल या एक लेख के बारे में करूंगा यह आर्टिकल चौबीस जनवरी 1993 में ऑर्गेनाइजर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था यह पब्लिकेशन हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ऑफिशियल ऑर्गन ये आर्टिकल बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के ठीक छह सप्ताह के बाद लिखा गया था इसके लेखक एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो आरएसएस के सिंपथाइजर थे बाद में जाके वो बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे और तो और तो उन्होंने बीजेपी की आर्थिक नीतियों को फाइनलाइज और डायरेक्शन देने में काफी उनका रोल रहा उन्होंने लिखा था बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के बाद और उनके हिसाब से ऐतिहासिक कलंक को मिटा देने के बाद क्या कुछ और किया जा सकता है राष्ट्रीय गौरव को एनहेंस करने के लिए उन्होंने लिखा कि सबसे पहले हमारे देश का नया नाम होना चाहिए क्योंकि इंडिया इज नॉट एन इंडियन वर्ड इट इज एन इंग्लिश वर्ड इट इज आल्सो नॉट अ हिंदू वर्ड आगे लिखा उन्होंने कि हम लोग हम लोगों को फॉरेनर्स के साथ आइडेंटिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है तब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्या होना चाहिए हमारे देश का नया नाम कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था कि जैसे कि पाठकों के साथ बात कर रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कहेंगे कि शायद भारत नाम हो इस राष्ट्र का तो मैं कहूंगा कि नहीं भारत ठीक नहीं है क्योंकि अगर राष्ट्र का नाम भारत है तो हम लोगों की नेशनैलिटी या तो भारतीय या फिर भारतीय होगा जो कि ऑलरेडी कई लोगों की सरनेम है हमारे देश में तो यह सही नहीं होगा हमें चाहिए उन्होंने लिखा था वन पक्का भारतीय वर्ड टू डिस्क्राइब आवर सेल्व एंड आवर कंट्री आगे लिखा बहुत लोग हिंदुस्तान सजेस्ट करेंगे क्योंकि इस नाम पर भी चर्चा थी के डिबेट्स पर जब नाम को फाइनलाइज किया गया था परंतु उनके हिसाब से भी हिंदुस्तान नाम सही नहीं था ऐसा क्यों हैविंग एन इस्लामिक ओरिएंटेशन नॉट इंडियन नॉट हिंदू कनेक्शन एंड देन वॉट वुड बी द नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन हु हिंदुस्तानी जस्ट लाइक क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक नो आई वुर है टर्म विद्य हिंदू वर्ड फाइनली उन्होंने सजेस्ट किया हटाकर हम देश का नया नाम हिंदू देश रख देंगे ऐसा क्यों उन्होंने सजेस्ट किया था उन्होंने लिखा था कि इफ इंडिया इज रीनेम एज हिंदू देश

आर्टिकल वन क्लॉज वन ये कैसे आया हमारे देश का नामांकरण सितंबर 1949 को हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे राष्ट्र के नाम को फाइनलाइज किया गया था कई सजेशन थे भारत हिंदुस्तान हिंद भारत भूमि भारतवर्ष किसी ने यह भी सजेस्ट किया कि आर्टिकल वन क्लॉज वन को ऐसे लिखना चाहिए भारत नोन एज इंडिया ऑल्सो इन फॉरेन कंट्रीज जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ी किसी और ने सजेस्ट किया कि भारत दैट इज इंडिया एक मेंबर का कहना था भारत नाम को अगर हम सिर्फ रखेंगे मतलब सिर्फ भारत होगा

इस वाक्य का ऑपरेटिव माने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था मिथिकल फाउंडर्स ऑफ द रेस यानी कि मिथिक संस्थापक मतलब हमारे विश्वास की बात थी इस बात का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है इस बैकड्रॉप में सिर्फ भारत कैसे हो सकता था हमारे देश का नाम सारे नाम हम सबके हैं सारे नाम हमारे ही देश या राष्ट्र के हैं लेकिन अगर किसी को किसी एक नाम से कोई खास लगाव है तो उसका मतलब यह नहीं कि वो किसी और नाम के कॉस्ट पर होना चाहिए आजादी की लड़ाई में भारत माता की जय और जय हिंद ने लोगों को उतना ही इंस्पायर या मोटिवेट किया जितना कि इनकिलाब जिंदाबाद विलियम शेक्सपियर ने लिखा था वॉट इज इनम या फिर वॉट इन अम रोज बाई एनी अदर नेम वीट मतलब किसी भी मेह तो वैसी ही रहेगी तो हटा दो इसको बदल दो अच्छा ही तो है अगर कई सारे नाम हो आखिरकार यूएन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन जियोग्राफिकल ने हिसाब से हमारे देश के तीन नाम है इंडिया भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारतीय गणराज्य एक राष्ट्र कई नाम उसी तरह से जैसे एक राष्ट्र कई संप्रदाय भाषाएं कई खाने पीने के तरीके ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही आप हमारे खबरों को न्यूज क्लिक की वेबसाइट फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर पढ़ और देख सकते हैं और हमारे वीडियो को न्यूज क्लिक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं शुक्रिया आप देखते रहिए न्यूज क्लिक